दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक को कब आपको बाय करना है और कब किसी स्टॉक को आपको सेल करना चाहिए। दोस्तों इस नियम को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप निश्चित है कि एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि आपने ये नहीं बताया कब हमको बाय करना है और कब हमको सेल करना है। तो कई सारे मतलब व्यूवर्स जो होते हैं पूछते हैं कि कब बाय करना है, किस लेवल पर बाय करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कब आपको बाय करना चाहिए और कब आपको सेल करना चाहिए। किसी भी स्टॉक को एग्जांपल के माध्यम से लेंगे और उसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है बजाज फाइनेंस को। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस को कब आपको बाय करना चाहिए था, कब आपको सेल करना चाहिए था, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लगाया ब्लू लाइन है हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA है 50 डे का, और ये नीचे वाला हमारा 200 डे EMA। तो जब 200 डे EMA और 50 EMA के नीचे हो प्राइस, तब आपको बाय करना चाहिए। सबसे पहले आपका जो स्टॉक है वो सेक्टर लीडर होना चाहिए, जैसे बजाज फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर का लीडर स्टॉक है, TCS, इन्फोसिस, ये सब हमारा IT सेक्टर का लीडर स्टॉक है, और सारे अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन निश्चित रूप से लीडर स्टॉक है। उस पर आप ये नियम अप्लाई करेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटल्स कंपनी का अच्छा होना चाहिए, सेक्टर लीडर होना चाहिए, तब आप ये इस नियम को अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। तो दोस्तों जैसे ये 200 डे का जो EMA है उसके नीचे आता है, 50 डे का EMA उसके नीचे आता है, तो आपको बाय करना है। बाय करके बस उसको आपको होल्ड करना है, मतलब ये इन्वेस्टर के लिए है, इसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग ये सब नहीं आता है, आपको होल्ड करना है। अब तक होल्ड करना है जब तक ये स्टॉक फिर से आपका 200 डे और 50 डे EMA के ऊपर नहीं चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप बाय करते तो 2000 के लेवल के आसपास, या मतलब जो भी हो हमारा जो 50 डे का EMA है उसके नीचे स्टॉक जब भी था, तो यहाँ आप बाय करते तो ये कितना भी आप बाय करते तो 2300-400 ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल पर आप बाय करते, क्योंकि इसके बाद ये 50 डे EMA को क्रॉस कर गया। जैसे यहाँ से स्टॉक आप रैली किया, 200 डे EMA देख सकते हैं, ये रेड लाइन है हमारा, इसको क्रॉस किया तो ये स्टॉक आ गया 3300 इस लेवल पे, तो यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते थे, या आप यहाँ पर इसके ऊपर चल रहा है 200 डे EMA देख सकते हैं, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था 200 डे EMA पे, तो यहाँ पर आप इसको होल्ड करते आप जैसे जैसे होल्ड करते यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर आप और अच्छे प्राइस पर अगर एग्जिट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक फॉलो कर रहा था, और जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते थे, या यहाँ पर किसी भी हाई प्राइस पे आप यहाँ पर एग्जिट होकर के प्रॉफिट बुक कर लेते। फिर आप क्या करते, इसको वेट एंड वॉच करते, स्टॉक धीरे धीरे करेक्ट हो रहा था, जैसे 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 स्टॉक फिर से 50 डे EMA और 200 डे EMA इसको देखते हैं नीचे आया, तो यहाँ पर आप फिर से बाय कर सकते थे। यहाँ पर बाय करते 3000 के प्राइस के लेवल पर, 3100 के प्राइस के लेवल पर, फिर आप वेट एंड वॉच करते। जैसे वेट एंड वॉच करते तो यहाँ पर देखते फिर से ये 50 डे और 200 डे EMA को क्रॉस किया, और इस बार ज़बरदस्त मोमेंटम ये दिखाया है, और ये ट्रेंड लाइन है, इस लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। जैसे इस ट्रेंड लाइन को कहीं पर ब्रेक करता है आप वहां पर इसको सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है जिसके मदद से आप जो है कोई भी सेक्टर लीडर स्टॉक है उसको कब बाय करना है, कब सेल करना है, और इससे अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जैसे 200 डे EMA को यहां पर नीचे आता है आप बाय करते हैं, तो हो सकता है ये स्टॉक यहां से और नीचे आए, तो यहां पर स्टॉक नीचे और आ सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि कोई भी अच्छे क्वालिटी की चीजें हैं उसे आप बाय करते हैं तो उससे नीचे भी प्राइस आएगा, तो उससे आपको देखना है कि कंपनी का फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो फिर आपको कोई भी पैनिक सिचुएशन मतलब पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस फिर से रिकवर होगा, प्राइस अच्छे लेवल पर ऊपर जाएगा, फिर वहां पर आप सेल करेंगे। तो इसलिए जब भी आपको मतलब कोई स्टॉक बाय करते हैं उसको जस्ट वेट एंड वॉच करना है, जैसे प्राइस ऊपर के लेवल पर जाता है फिर उसको आप सेल करेंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा उदाहरण लेते हैं हम इन्फोसिस का। इन्फोसिस लिमिटेड ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है। इन्फोसिस जो हमारा है ये भी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ये है हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज, देख सकते हैं इसका लगातार ऊपर चल रहा है, तो अभी आप मतलब कोई भी पोजिशन बनाए हैं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसको बाय कब करना था, तो यहाँ पर आप पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा
50 डे का मूविंग एवरेज है ये ब्लू लाइन है और 200 डे का मूविंग एवरेज है हमारा रेड लाइन। यहाँ किसी भी नीचे के प्राइस पे आप इसमें बाय कर सकते थे और बाय करके आप इसको होल्ड करते, जैसे होल्ड करते धीरे धीरे ये स्टॉक हमारा 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे के ईएमए को क्रॉस करता है तो आप यहाँ पर जैसे मतलब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन अवश्य ड्रॉ करें। जब इसके 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर चला जाता है मतलब स्टॉक काफ़ी महंगा हो जाता है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं जब 100 डे ईएमए को क्रॉस किया तो इस ट्रेंड लाइन को ये कभी ब्रेक नहीं किया और यहाँ के बाद ये काफ़ी देखने गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन हुआ तो इस गैप को कभी भी ये स्टॉक ने फिल नहीं किया और लगातार इस पे सपोर्ट लेता हुआ देखते हैं। अभी भी ये लगातार अप मूव में है स्टॉक और 50 डे का जो ईएमए है उसको लगातार ऊपर चल रहा है। जब 50 डे ईएमए के लगातार ऊपर चल रहा है तो कभी भी ये कोई हाई बनाता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि मार्केट जो हमारा किस दिशा में जा रहा है। जैसे अभी मार्केट लगातार नया नया हाई बना रहा है तो मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है तो अभी आप थोड़ा सा इसमें वेट कर सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस लगा करके भी वेट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे, जैसे ये हमारा 1100 के ऊपर आप जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं तो कभी भी ये स्टॉक में गिरावट आती है तो 1100 पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा अगर लगातार मार्केट अप ट्रेंड में है तो अगर ये ऊपर के लेवल को क्रॉस करता है 1200 को तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट और ज़्यादा अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना जो है जो रूल है जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं, कब बाय करना है कब सेल करना है। साथ साथ RSI का भी प्रयोग करना है कि RSI देख सकते हैं यहाँ पर जब भी हमारा 30 के नीचे हो तो स्टॉक को बाय करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर RSI मात्र 30 के नीचे आया था, डेली चार्ट हमने लगाया, मात्र एक ही समय था जब इन्फोसिस देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका मतलब RSI है वो 30 के नीचे यहाँ पर आया है, इस साल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक बाय करना था, उसके बाद ये कभी भी स्टॉक देखते हैं कि 30 के RSI को क्रॉस नहीं किया है और लगातार ये मतलब यहाँ के बाद लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में था। यहाँ पर RSI हमारा 80 के आसपास था, हो सकता था यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे या आप इसे होल्ड करते क्योंकि ये हमारा जो ईएमए है 50 डे के ईएमए इसको ब्रेक नहीं किया, साथ साथ तो इसका जो यहाँ पर गैप अप है इसको भी ये ब्रेक नहीं किया, मतलब गैप अप को भी फील नहीं किया तो ये एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा। तो RSI का भी आप मदद ले सकते हैं। RSI यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखाया तो डाइवर्जेंस दिखाने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक जो हमारा काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा। RSI का डाइवर्जेंस मतलब होता है कि इसमें जो स्पीड था ऊपर जाने का, जो प्राइस का मतलब मोमेंटम था ऊपर जाने का, वो मोमेंटम जो है कम हो चुका है और ये स्टॉक अब मतलब ऊपर उतना तेजी से नहीं जाएगा जितना कि पहले जा रहा था। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि कैसे हम बाय करते हैं और कब हम सेल करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके मतलब कब बाय करना है कब आपको सेल करना है इसके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।